शांति भैया, हम सब प्यारे मीठे बाप दादा का शांति मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी को? जी आ रही है जी जी थैंक यू। आज 20/5/2022 की वाणी है। बाबा कहते, मीठे बच्चे अपने इस जीवन को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है, तो समय को सफल करो, अवगुणों को निकालो, खाने पीने सोने में समय बर्बाद मत करो। आज कहते, अपने इस जीवन को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है, तो समय को सफल करो, अवगुणों को निकालो, खाने पीने सोने में समय बर्बाद मत करो। बाबा का प्रश्न है, मनुष्यों ने किस एक शब्द से सबको भगवान का रूप समझ लिया है? बिल्कुल थोड़ा सा मंथन करते हैं। कौन सा वो शब्द है जिसको सभी ने भगवान का रूप मान लिया है? आपको कौन सा वो शब्द लगता है? किसी को शेयर करना है? बिल्कुल ओम शांति दीदी। भक्ति मार्ग में कहते थे ना कि सभी कि भगवान कण कण में है। जहां देखो जिधर दृष्टि करती हूँ वहीं पे भगवान है। जी पत्थर, बाबा कहते भी मुरलियों में कि पत्थर ठिक्कर में तुमने हमको ठोक दिया, कि भगवान को सर्वत्र कर दिया। और सही परिचय होने के कारण, नहीं होने के कारण इस तरह से हम लोग पहले सोचते थे कि भगवान सब जगह है, जहां भी जाऊंगी भगवान मिल जी जाएगा, यात्रा करने जाऊंगी वहां भी मिल जाएगा। ओम शांति दीदी। थैंक यू। और किसी को कुछ ऐड करना ओम शांति दीदी। जी? जैसे हमारी इस समय बहुत भावना रहती है कि बाबा ऑल टाइम अवेलेबल है, तो हमने जी ये फीलिंग क्रिएट की है कि मुंह फेर जिधर देखूं मुझे तू ही तो नजर आए, तो निरंतर उसकी याद रहे। तो जो संगम के ही ये सब होते हैं भक्ति मार्ग में बन जाते हैं। मतलब मुझे हर तरह से ये होता है कि भगवान किसी को निमित्त बनाकर मेरी मदद कर रहा है। जी तो उसमें ही फिर हमने क्या बाद में भक्ति मार्ग में क्रिएट किया कि सब में भगवान है। या मतलब ऐसे ही डेवलप हुआ होगा ना कि सब में भगवान है। तो इस समय जो संगम पर मैं ये फील करती हूँ ना कि हर समय भगवान मेरे पास है, इसी आत्मा को निमित्त बनाकर मुझे किस किस तरह से मदद कर रहा है। और निरंतर याद है कि मुंह फेर जिधर देखूं मुझे तू ही तू नजर आए। तो ये जी ही फिर डेवलप हुआ कि भगवान सब। जी थैंक ओम शांति जय श्री। यू।
मुझे इस पर जो मंथन चला है, जिसे भगवान खुदा के सामने हाजिर नहीं होते, वो किसी के द्वारा जब हमें कुछ मदद की जरूरत होता है या कुछ समझने की जरूरत होता है तो अलग अलग फॉर्म में हमें बताते हैं। जैसे किसी और आत्मा द्वारा हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, या हम बाबा के आगे जब बैठते हैं तो टचिंग द्वारा देते हैं, या मुरली द्वारा देते हैं, या कोई पेपर द्वारा देते हैं। तो ये अलग अलग फॉर्म्स जो बना है, वो फॉर्म्स के कारण जब हमारा बुद्धि कौड़ी जैसा था, कौड़ी माना एक शेल है, वो शेल जो है एक ये मछली है मोलास्क नाम का, उसमें क्या है वो शेल जब बनता है एनवायरनमेंट के हिसाब से बनता है, और एनवायरनमेंट अगर सुटेबल नहीं होता है तो वो बनना ही बंद हो जाता है। तो शेल क्या है, हमेशा डिपेंडेंट रहता है एनवायरनमेंट के ऊपर। तो जैसे परिस्थिति होता है वैसे चेंज होता है, वैसे ही हमारा बुद्धि पौड़ी जैसा होने के कारण हमारा बुद्धि चेंज होते रहे। और हमने बाबा को ऐसे समझा कि हर जगह पे दिख रहा है, बहुरूपी कह दिया है। पर जब हम हीरा बन जाते हैं तो हम बाहर के चीजों से इफेक्टेड नहीं होते हैं। जैसे हीरा का मेल्टिंग पॉइंट 4500 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो कितना भी विकार हो, कुछ भी हो, वो हीरा पर इफेक्टेड नहीं होता है। तो उस समय हम बाबा को समझते हैं, जो संगम में हम हीरा बन रहे हैं उसमें हम बाबा को समझते हैं। तो बाबा को इस समय हम बहुरूपी नहीं कहते हैं, पर भक्ति मार्ग में और कलयुग में कौड़ी जैसे होने के कारण हमने मिस इंटरप्रेट कर लिया बाबा। जी, और किसी को ऐड करना है? जैसे सभी ने कहा कि कैसे भक्ति मार्ग में और ज्ञान मार्ग में हमने बाबा को एक शब्द से भगवान का रूप मान लिया, अब हम वो समझते हैं कि कैसे हमने पुकारा था। तो बाबा का आंसर सुनते हैं। बाबा कहता, इस समय मैं बहु रूपी हूँ, ऐसे नहीं, यहाँ जब मुरली चलाता तो परमधाम खाली हो जाता है। मुझे तो इस समय बहुत काम करने पड़ते हैं, बहुत सर्विस चलती है, बच्चों को, भक्तों को साक्षात्कार कराना पड़ता है। इस समय मैं बहु रूपी हूँ, इसी एक शब्द से मनुष्य ने कहा यह सब भगवान के रूप है। भगवान बाबा हमको पता है, निराकार है, कहीं पर भी जाके किसी के भी द्वारा कार्य कराना हमको पड़ता है। इसलिए बाबा ये जो लेबल है इस कार्य के, उसका सूचक है, प्रतीक है। बाबा का दूसरा प्रश्न है, बाप के किस श्रीमत को पालन करने वाले बच्चे सपूत है? इसका हर एक के लिए आंसर अलग अलग हो सकता है। बाबा का आंसर सुनते हैं। बाबा कहते, बच्चे कभी भी डिसर्विस ना करो, टाइम बहुत वैल्यूएबल है, इसे सोने में न गवाओ, कम से कम 8 घंटा मेरे खाते दो, ये श्रीमद पालन करने वाले सबूत है। हमारा आज समय कितना वैल्यूएबल है बाबा हमको अलर्ट करते हैं। गीत है, तुम्हें रात गवान सोते शांति। बच्चों को बाप समझा रहे हैं, बच्चे जानते हैं हम सब बच्चे हैं बाप के, हमारे शरीर का बाप तो है ही शरीर, लेकिन आत्मा जो अशरीरी है उसका बाप भी अशरीरी है। बाप ने समझाया है, बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा मिलता है, अभी शुरू होता है जो त्रेता अंत तक चलता है। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो, भविष्य 21 जन्मों की प्रारब्ध के लिए, फिर बाद में हद का शुरू होता है, बेहद का वर्षा पूरा हो जाता है। यह हुई बातें हैं ना, जानते हैं आधा कल्प हम हद के बाप से वर्षा लेते और बेहद के बाप को याद करते आए हैं। आत्मा के संबंध में सभी ब्रदर्स है, वह है बाप, कहते भी है हम आत्माएं भाई भाई है। फिर जब मनुष्य सृष्टि की रचना रची जाती है तो
भाई बहन हो जाते हैं। यह नई रचना है ना, पीछे फिर परिवार बढ़ता है, काका चाचा मामा सब पीछे होते हैं। इस समय बाप रचना रच रहे हैं, बच्चे बच्चियां हैं, दूसरा कोई संबंध नहीं है। अब तुम जीते जी भाई बहन बन जाते हो, दूसरे कोई संबंध से ताल्लुक नहीं है। अभी तुमको नया जन्म मिल गया है, जानते हो हम सभी अभी ईश्वरीय संतान हैं, शिववंशी ब्रह्म कुमार कुमारिया हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियों का और कोई संबंध नहीं। इस समय सारी दुनिया पतित है, इनको पावन बनाना पड़ेगा। कहते बाबा हम आपके हैं, बाप कहते बच्चे भविष्य के लिए पुरुषार्थ करके अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है। सारा दिन सिर्फ खाना पीना, रात को सोना और बाप को न याद न करना, इससे कोई हीरे जैसा जन्म नहीं मिलेगा। तो बाबा ने हमको यहाँ आज सार में ही बताया, पुरुषार्थ के लिए, भविष्य के लिए पुरुषार्थ करके अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है। हम क्या क्या कर सकते हैं, कौन सा पुरुषार्थ कर सकते हैं? जैसे बाबा ने कल तो कहा जो पुरुषार्थी है, बाबा ने क्या कहा था कल, जो पुरुषार्थी है वो ब्राह्मण नहीं, ऐसा कुछ कहा था शायद हाफ कास्ट ब्राह्मण। ना। हाँ, परंतु आज तो बाबा कहते भविष्य के लिए पुरुषार्थ करके अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है, तो ये कैसे समझें? ये कौन सा पुरुषार्थ है? कैसे में ओम जी शांति बोलिए। हाँ जी शांति। हाँ, यहाँ पर मुझे ये समझ में आ रहा है, अगर तो डायमंड बनना है तो उसमें वो बहुत डीप मिट्टी के नीचे बनता है और उसमें प्रेशर और हीट की जरूरत होता है। यहाँ पर सोल में प्रेशर मतलब वो पुरुषार्थ का है। पुरुषार्थ का प्रेशर तभी आता है जब हमारा पेपर आता है और पेपर को हम जो हमारा पुराना संस्कार है उसको पार करके हिम्मत रख के जब हम क्रॉस करके नया जो बाबा ने सिखाया है, बाबा ने हमें ज्ञान दिया है उसको यूज करके और बाबा की शक्ति द्वारा हम उसको चेंज करके पार करते हैं। तो ये एक प्रेशर की तरह क्रिएट होते हैं। साथ में एक हीट की जरूरत है और वो हीट है बाबा के योग का हीट। वो दोनों मिला के हम डायमंड बनते हैं। डायमंड वोल्कैनो जहाँ पे होता है, बहुत सालों तक वोल्कैनो हो जिस जगह पर है वहां पर ही बनता है। तो जी मुझे लगता है यही है पुरुषार्थ का जो बाबा ने पूछा। निर्मल दीदी आप कुछ कह रहे थे। जी, जो अभी हेमा दीदी ने कहा वो ही चैनिंग चल रही थी कि जैसे बाबा का ज्ञान जो है वो हीट है और जो हमारा खुद का एफर्ट है वो प्रेशर है। वो दोनों क्रिएट करके हम जो जैसे कहते हैं ना हीरे को तराशने की जरूरत होती है, जब वो तराशते हैं ना तब उसमें से वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, उसकी जो रेज है वो बहुत खूबसूरत निकल के आती है। तो वो ही बाबा जो हमें लाइट और माइट दे रहे हैं, मतलब समझ की क्या करना है कैसे करना है और साथ में पावर भी दे रहे हैं। तो हम अपनी ही सोल को के जितने डायमेंशन है वो चमका रहे हैं स्टेप बाय स्टेप ना, ताकि वो जो रोशनी निकले तो वो औरों को भी, जब रोशनी निकलती है कोई डायमंड एक्चुअल में चमकता है तो कितना खूबसूरत लगता है ना, वो औरों को भी सुकून देता है। तो हमारे जो 7 गुण हैं और वो जो हमारे धारणा में आते हैं इम्बाइब, एक्चुअल में तो है ही गुण स्वरूप आत्मा, लेकिन जैसे ही हम तराशते हैं वो गुण जब निकल के आते हैं और गुणों के अनुरूप जब व्यवहार होने लगता है तो पूरी कायनात को सुख होता है। मतलब ओनली सोल्स को नहीं,
पूरी जो 5 एलिमेंट्स हैं, या पशु पक्षी जगत भी कहें, या और हर एक्टिविटी हमारी इतनी जी सुंदर हो जाती है। तो फिर ये जब होने लगता है ना, तो हमारा दुआओं का खाता भी जमा होता है, क्योंकि और जो डायमंड की तरह नहीं निखर पा रहे हैं या अपने सुख का अनुभव नहीं कर पा रहे, तो उनको भी प्राप्ति होने लगती है ना हमसे, तो वो दुआओं का खाता जमा होता है। तो बाबा वही कह रहे हैं कि खाली एक ये हमारा नहीं है कि हम सिर्फ अपने लिए सुखी बन जाएं, हमें फिर सबको सुख देना है। आत्मा है ही सुख स्वरूप, लेकिन वो रिफ्लेक्ट होना मुझसे, तब और आत्माएं भी सब सुखी होंगी। जी ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा कि भविष्य के लिए पुरुषार्थ करके अपना जीवन हीरे जैसा बनाना। तो दीदी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा पुरुषार्थ का लेवल अलग होना चाहिए अपने हिसाब से भी। बाबा तो कहते ही हैं। तो जैसे पहले अगर हम लोग ज्ञान में थे तो पहले क्या करते थे, सोचते थे नहीं ड्रामा में होगा तो हो जाएगा, फिर सोचते थे नहीं बाबा मेरे साथ है ना तो सब अच्छा होगा। तो ये एक लेवल हुआ। अब इसके ऊपर का लेवल क्या हुआ कि जब जैसे मान लीजिए कहीं गए या कुछ काम करना है तो अब समझ गए कि ड्रामा हर समय नया है। अब अगला सीन क्या आने वाला है ये तो पता नहीं है, लेकिन जो भी सीन आएगा उसको हमको अच्छे से पार करना है। तो हम हिम्मत बढ़ाते हैं, तो जहां भी हिम्मत करके आगे बढ़ जाते एक एक जगह फिक्स होके कि नहीं बाबा का श्रीमत है हमको यही करना है। तो जब हम वहां पे एक बार हिम्मत कर लिया बाबा मदद कर देता है, फिर बाबा मदद कर देता है तो फिर हमारी लिफ्ट हो जाती है। तो फिर वो भी एक सेंस हुआ कि हमारा जीवन फिर हीरे जैसा बनता है, हमारे में दृढ़ता आती है, हिम्मत आती है जैसे जैसे हम पुरुषार्थ में आगे बढ़ते हैं। ओम शांति। मुझे भी ऐसे लगता है सारा मदार निश्चय और हिम्मत पर है, स्वयं पर निश्चय और बाबा पर निश्चय कि मैं ही बनी थी मुझे ही बनना है। ये वो पुरुषार्थ ऐसे लग रहा है कि सतत प्रयत्न करते रहना उस टास्क को अचीव करने के लिए। तो वो अंदर से फिर उमंग आता है जिसको हम कह रहे थे ना कि प्रेशर है, तो वो अंदर की इच्छा जागृत होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज हम कभी कभी बहुत दिल शिकस्त होके नाराजगी खुद के ऊपर गिल्टी फील करते हैं, परंतु मुझे लगता है वो जो फोर्स है वो अपना भी चाहिए और बाबा का भी चाहिए, तो ही हम खुद को आगे बढ़ा सकते हैं। उसमें जो हाफ कास्ट की जो बाबा ने बात की थी उसके ऊपर मैं सोच रही थी, तो उसी से रिलेटेड है। जब जब हम पुराने विचार लाते हैं तो वो हाफ कास्ट हो जाएंगे कि नहीं होता मेरे से, पता नहीं क्या है। तो ये जो थॉट्स है वो पुराने दिन है, तो बाबा उसका संपूर्ण त्याग करने के लिए सारा दिन सिर्फ खाना पीना, रात को सोना, बाप को याद न करना, इससे कोई हीरे जैसा जन्म नहीं मिलेगा। बाप कहते हैं शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। समझते हैं हम कौड़े से हीरे जैसा अर्थात मनुष्य से देवता बन रहे हैं। मनुष्यों में तो बहुत अवगुण है, देवताओं में गुण होते हैं। तब तो मनुष्य देवताओं के आगे जाकर अपने अवगुण बताते हैं ना। आप सर्वगुण संपन्न, हम पापी नीच है। अब बाप कहते हैं अपने से आसुरी गुणों को निकाल ईश्वरीय दैवी गुण धारण करने हैं। अपने से आसुरी गुणों को निकाल ईश्वरीय दैवी गुण धारण करने बाप तो है निराकार मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, वह सत्य है चैतन्य है ज्ञान का सागर है। यह ज्ञान तो बुद्धि में बैठा हुआ है ना, यह है नया ज्ञान, कोई वेद शास्त्रों में ज्ञान नहीं है। अभी जो तुम सुनते हो या फिर प्राय लोग हो जाओगे, अभी तुम जानते हो हम आसुरी गुण वाले मनुष्य से दैवी गुण धारण कर बाप द्वारा देवता बन रहे हैं। पापों का बोझा जो सिर पर है वह बाप की याद से हम वसन करते हैं। भक्ति मार्ग में तो यही सुनाते आए हैं कि पानी में स्नान करने से पाप भस्म हो जाएंगे, परंतु परंतु पानी से तो पावन बन नहीं सकते। अगर ऐसा होता तो फिर पतित पावन बाप को क्यों याद करते।
कुछ भी समझते नहीं है। समझदार और बेसमझ यह भी एक नाटक बना हुआ है। अभी तुम कितने समझदार बन रहे हो, सारे सृष्टि चक्र को जानते हो। हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना यह भी समझ है ना? अगर नहीं जानते तो उनको बेसमझ कहेंगे ना? बाबा आगे कहते, अभी तुम बच्चे जानते हो। बाबा ने अपना परिचय अपने बच्चों को दिया है कि मैं आया हूँ उनको हीरे जैसा पसंद। ऐसे नहीं यहाँ से सुनकर गए खाया पिया जैसे आगे चलते थे, वह तो पौड़ी जैसी लाइफ थी। देवताओं की हीरे जैसे लाइफ, वह तो स्वर्ग में सुख भोगते थे। चित्र भी है ना? तो आज हम चेकिंग कर सकते हैं कि हमारी लाइफ अभी कैसे बन रही है। हमारा हर संकल्प विश्वास सफल हो रहा है तो हमारी लाइफ पे देवताओं जैसे बन रही है। आगे तुम नहीं जानते थे कि हम ही सुखी थे, हम दुखी हुए हैं। हमने 84 जन्म कैसे लिए यह नहीं जानते थे। अब मैं बताता हूँ, अगर तुम औरों को भी समझाने लायक बने हो, बाप समझदार बनाते हैं तो फिर औरों को समझाने देने चाहिए। ऐसे नहीं घर में जाने से फिर वही पुरानी चाल हो जाए। शिक्षा पाकर फिर औरों को शिक्षा दो। बाप का परिचय देने जाना पड़ता है। बेहद का बाप तो सबका एक ही है। सभी धर्म वाले उनको ही पुकारते हैं, हे परमपिता परमात्मा व हे प्रभु। ऐसे कोई नहीं होगा जो परमात्मा को याद नहीं करता होगा। सभी धर्म वालों का बाप एक ही है। एक को सभी याद करते हैं। बाप से वर्षा पाने के सभी हकदार हैं। वर्षे पर भी समझाना पड़े, बाप कौन सा वर्षा देते हैं? मुक्ति और जीवन। या तो सब जीवन बंद है, बाप आकर सबको रावण के बंधन से छुड़ाते हैं। इस समय कोई भी जीवन मुक्त है नहीं, क्योंकि रावण राज्य है, देह अभिमानी है। देवताएं देही अभिमानी होने से जानते हैं हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। तो जीवन मुक्त और देह अभिमानी अवस्था, बाबा ने जिसका रिलेशन बताया, जितना जितना हम देही अभिमानी होते जाएंगे उतना उतना हम जीवन मुक्त भी होते जाएंगे। और भी हम इसमें मंथन कर सकते हैं। सिर्फ अब आगे कहते, सिर्फ परमात्मा को नहीं जानते हैं। परमात्मा को जाने तो फिर सारे सृष्टि चक्र को जान जाए। त्रिकालदर्शी सिर्फ तुम ही हो। ब्राह्मणों को ही बाप बैठ त्रिकालदर्शी बनाते हैं। जब देवताएं भी त्रिकालदर्शी नहीं है तो उनकी जो वंशावली आती है उनमें भी यह ज्ञान नहीं रहता, तो फिर दूसरे में ये कहाँ से आए? हम ब्राह्मण ही त्रिकालदर्शी बनते हैं, देवताएं भी त्रिकालदर्शी हैं, देने वाला भी एक ही है। यह सहज राजयोग की नॉलेज और कोई को हो नहीं सकती। देवी देवता धर्म का शास्त्र भी तो होना चाहिए। तो ड्रामा अनुसार उनको फिर शास्त्र बनाने पड़ते हैं। गीता भागवत आदि सब ऐसे ही फिर बनेंगे, ग्रंथ भी ऐसे बनेंगे। अभी ग्रंथ कितना बड़ा हो गया है, नहीं तो इतना छोटा था, हाथ से लिखा हुआ था, फिर वृद्धि में लाया है। ऐसे भी यह भी ऐसे है। इनका अगर ग्रंथ बेड बना तो बहुत बड़ा हो जाए, परंतु फिर उनको शॉर्ट किया जाता है। कल किसी का मंथन चला, बाबा पूछ रहे थे ना,
कितने गुरु किए, कौन से शास्त्र पढ़े, क्या मंत्र लिया, किसी ने होमवर्क किया? कल बाबा पूछ रहे थे है ना, अगर नहीं किया है तो आज करना है। बाबा आगे कहते, पिछाड़ी में बाप दो अक्षर कहते हैं, मन मना भी। मैं तुमको सब वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ, तो जरूर नाम तो लेना पड़ेगा ना। फलाने शास्त्र में यह है, वो कोई धर्म का शास्त्र नहीं, भारत का धर्म एक ही। बाकी वह किस धर्म के शास्त्र है कब सिद्ध नहीं कर सकते, भारत का शास्त्र है ही एक गीता। गीता भी सर्वशास्त्र शिरोमणि गाई हुई है, गीता की महिमा तुम एक्यूरेट जानते हो। जिस गीता से बाप आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं, यह सोचने वाली बात है, बाकी वह किस धर्म के शास्त्र है कब सिद्ध नहीं कर सकते। जिनको इतना वो मानते हैं तो बाबा क्या बता रहे, इस पर भी आप सोच सकते हो। बाबा कहते, जिस गीता से बाप आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं, भारत के शास्त्र को मान बहुत मिलता है, परंतु गीता का भगवान कौन था, उनको न जानने कारण झूठा कसम उठाते हैं। अब उनको करेक्ट करो। भगवान ने तो ऐसे नहीं कहा है ना कि मैं सर्वव्यापी हूँ। झूठा कसम उठाते माना मुझे लगता है कोर्ट में भगवान को हाजिर नाजिर समझ के कसम उठाता हूँ, शायद बाबा का ये कहना है। बाबा आगे कहते, बच्चे ने प्रश्न पूछा, शिव बाबा जब इधर आते हैं मुरली चलाते हैं तो क्या परमधाम में भी है? बाबा कहते, इस समय तो हमको बहुत काम करने पड़ते हैं, बहुत सर्विस चलती है, तो इसको क्या लगता है ये हमारा है सवाल है ना। शिव बाबा जब इधर आते हैं मुरली चलाते हैं तो क्या परमधाम में भी है, इसको क्या लग रहा है, किसी का मंथन चल रहा है इस पर? ओम शांति जी, जी। मतलब मुझ सोल को जो समझ में आया कि बाबा उस समय परम धाम में भी होते हैं, मतलब बाबा तो इतना पावरफुल है ना कि उनका हम कहें कि एक अंश भी आकर टचिंग देता है किसी को, या तो वो भी सफिशिएंट है। तो बाबा बहुत सारी फीलिंग जैसे जो क्रिएट करता है ना, भक्ति मार्ग में बहुत सारे लोग उस समय पुकार रहे होते हैं, और बाबा के बच्चे भी तो जैसे मुरली पढ़ते हैं, फिर एक लाइन कई बार आईज क्लोज करके उस पॉइंट को सोचने लगते हैं, या बाबा कोई परम धाम की बात करते हैं तो बहुत बार हम लोग भी ऐसा करते हैं ना कि उसी समय हम परम धाम में स्थित हो जाते हैं, फीलिंग में आ जाते हैं। तो मतलब बाबा ये कह रहे हैं, मैं ये संगम का समय मैं ऑल टाइम अवेलेबल हूँ, ऐसा नहीं है कि परम धाम खाली हो गया और मुरली के बीच में अगर बच्चे परम धाम को विजुलाइज कर रहे हैं या फीलिंग में आ रहे हैं तो वहां उनको प्राप्ति ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। और जो भक्ति मार्ग में इतनी भावना से, चाहे उन्हें क्लियर परिचय नहीं है लेकिन वो चाहे हनुमान के रूप से याद कर रहे हैं या गणेश के रूप से, और बहुत दिल से, मतलब एक उतना ना व्यभिचारी याद की कोई इच्छा को लेकर के अव्यभिचारी रहता है, प्रेम स्वरूप होकर याद कर रहे हैं, तो उनको भी वो टचिंग मिलती है जब उसी स्वरूप से मिले कुछ ना कुछ। तो इस तरह से बाबा ये कह रहे हैं, ये संगम का टाइम है ना, ये जैसे एटीएम को मैं कहती हूँ ऑल टाइम मदद, तो ऐसे ऑल टाइम अवेलेबल है बाबा, किसी भी स्वरूप से देखे तो कोई भी स्थान, मतलब हम ये नहीं कह सकते खाली है, इस समय भरपूर है क्योंकि संगम का समय, परमात्मा अवतरित हुआ है, लेकिन वो स्थान भी जहां से अवतरण हुआ वो स्थान भी खाली नहीं है, जिस भी रूप में जहां भी जितना भी समय फीलिंग में लाना चाहे, वो एनर्जी को रिसीव करना चाहे, वो अवेलेबल है।
जी सोच सकते जी हैं। हाँ जी हाँ, मुझे एक चीज और समझ में आ रहा है, जैसे संगम युग में हम मंथन करते हैं, और मंथन के समय हम इस दुनिया के चीजों के साथ हम जुड़ते हैं, उसका मैकेनिज्म समझते हैं, और उस हिसाब से जैसे बाबा भी इस दुनिया के एग्जाम्पल देते हैं, और ये जो टचिंग देते हैं वो बाबा ही देते हैं। जैसे हम मंथन करते हैं, हमारे बुद्धि को बाबा की बुद्धि के साथ जब सिमिलरिटीज आ जाता है, बैलेंस आ जाता है, तो बाबा ही हमारे बुद्धि में वो सारे चीज देते हैं। तो हर चीज में बाबा का नॉलेज जो है उसी को ही शायद सर्वव्यापी में कन्वर्ट कर दिया है हमने, और बाबा का बुद्धि हमेशा यहाँ स्थित है, क्योंकि हम अभी बुद्धि को चला रहे और बुद्धि को इम्प्रूव करते जा रहे, तो बाबा का बुद्धि का मदद हमारे साथ है। और वो परमदान में भी कैसे, मतलब बाबा को क्वेश्चन परम धाम का मुझे लगता है कि वो परम धाम का स्थिति है, जो बाबा का स्थिति हमेशा परम धाम का स्थिति रहता है, नीचे नहीं होता है, बाबा जी नीचे आने से भी परम धाम की स्थिति में रहते हैं। जी बहुत सुंदर। और भी हम विचार कर सकते हैं आगे। बाबा कहते इस समय जो हमको बहुत काम करने पड़ते हैं, बहुत सर्विस चलती है, कितने बच्चों को, भक्तों आदि को भी साक्षात्कार कराता हूँ। इस समय मैं बहुरूपी अक्षर से भी मनुष्यों ने समझा है, सब उनके रूप है, सब रूप उनके हैं। माया उल्टा लटका देती है, फिर बाप सुलटा बनाते हैं। तुम बच्चे अभी मुक्ति धाम में जाने का पुरुषार्थ करते हो, तुम्हारी बुद्धि है मुक्ति धाम तरफ। ऐसा कोई मनुष्य पुरुषार्थ करा न सके जो तुमको बाप करा ले। अब अपना बुद्धि योग वहां लगाओ, जीते जी इस शरीर को भूलते जाओ। मनुष्य मरते हैं तो कहते स्वर्ग पधारा, फिर भी रोते रहते हैं। बाप के जो सपूत बच्चे होंगे वही बाप के मददगार बन सर्विस करेंगे, वो कभी डिसर्विस नहीं करेंगे। अगर कोई डिसर्विस करते हैं तो गोया अपनी करते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, ये टाइम बहुत वैल्यूबल है। भविष्य 21 जन्म के लिए तुम कमाई करते हो। तुम जानते हो हमको विश्व की बादशाही मिलती है, कितनी भारी कमाई है, तो उसमें लग जाना चाहिए। हमारा मंथन भी 2-4 दिनों से यही चल रहा है, विश्व की बादशाही क्या होती है और उसके लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, उसको समझना है। बाप को याद करना है, जैसे गवर्नमेंट के सर्विस में 8 घंटा रहते हैं, बाबा भी कहते मेरे खातिर 8 घंटा दो। रात को सोकर अपना समय बर्बाद मत करो, जबकि मनुष्य कहते हैं 8-10 घंटा सोना जरूरी है। तो बाबा के मत पर हमको चलना है, दिन रात कमाई करनी है। यह तो बड़ी सहज सिर्फ बुद्धि की बात है। मनुष्य जब धंधे पर जाते हैं तो पहले मंदिर के सामने हाथ जोड़कर फिर दुकान पर जाते हैं, लौटते समय फिर भूल जाते हैं, घर याद आ जाता है, वो भी अच्छा है, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। भगवान कहते हैं तुम बच्चों को कलकत्ते में तो बहुत अच्छी रीति समझाना चाहिए, काली माता का वहां बड़ा मान है। बंगाली लोगों की रस्म रिवाज अपनी होती है, ब्राह्मणों को मछली जरूर खिलाते हैं। बड़े आदमी अपने तालाब बनाए फिर उसमें मछलियां पालते हैं, तो ब्राह्मणों को भी वह खिलाएंगे। अभी तुम पक्के वैष्णव बनते हो, प्रैक्टिकल में तुम विष्णु के पूरे में चलते हो। ऐसे नहीं कि वहां 4 भुजा वाले मनुष्य होंगे। लक्ष्मी नारायण को विष्णु कहा जाता है, 2 भुजा उनकी, 2 इनकी, उनकी। तुम महालक्ष्मी की पूजा करते हो, वास्तव में विष्णु की करते हो, दोनों है ना।
परंतु इस समय महिमा माताओं की है, जगत अम्बा का गायन है, लक्ष्मी का भी नाम गाया हुआ है। माँ पाकर माताओं द्वारा सबको सदगति देते हैं। जगत अम्बा वही फिर राज राजेश्वरी बनती है, माँ की पूजा होती है। वास्तव में जगत अम्बा तो एक है ना, जैसे शिव का एक लिंग बनाते हैं वैसे फिर छोटे छोटे शालिग्राम भी बनाते हैं, वैसे काली की भी छोटे मंदिर बहुत है, पर जैसे माँ की संतान है। अभी बाप हमको अपना बनाते हैं, इसको ही बलि चढ़ना कहा जाता है। तुम बलि चढ़ते हो उन पर, इस ब्रह्मा पर नहीं। इस बलि चढ़ने से ही हमारा उसमें ही कल्याण है। और उन्होंने क्या समझा, बलि चढ़ना माना पूरा तन दे देना। बाबा क्या कहते, बाप समझाते अभी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, धंधा आदि फल करो। अगर पैसा काफी है खाने के लिए तो फिर जास्ती माथा क्यों मारते हो। हाँ, शिव बाबा के यज्ञ में देते हो तो जैसे विश्व की सेवा में लगाते हो। बाबा कहेंगे सेंटर्स बनाओ जहाँ ये बच्चिया मनुष्य को देवता बनाने का रास्ता बता दे। ये पढ़ाई कितनी फर्स्ट क्लास है, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। बाप कहते लाख करोड़ करो, परंतु ऐसा काम करो जिससे भारत पावन बने, एवर हेल्दी बने। तुम भविष्य के लिए अभी पूरा वर्षा देते हो, वहाँ गरीब तो कोई होते नहीं, वहाँ भी अभी के प्रारब्ध भोगते हो, तो कितने धारणा करनी चाहिए। तुम्हारा एक एक पैसा हीरे समान है, इनसे भारत स्वर्ग बनता है। बाकी जो बचेगा वह तो खत्म हो जाएगा, जो कुछ पैसा बचे इस सर्विस में ही लगाओ। ये बड़े से बड़े हॉस्पिटल है, कई गरीब बच्चे कहते हैं हम आठ आना देते मकान में ईंट लगा दो। हम जानते हैं यहाँ से मनुष्य एवर हेल्दी बनेंगे, यहाँ तो ढेर आएंगे, क्यों ऐसे लगेगी जो कब नहीं देखी हो। तो कितनी खुशी रहनी चाहिए, हम कैसे क्या बनते हैं। हम शुभ बाबा से बेहद का वर्षा लेते हैं। बाप है निराकार ज्ञान का सागर, वो इस रथ में प्रवेश करते हैं, तो बच्चों को बहुत रहम दिल बनना चाहिए, अपने पर भी और दूसरों पर भी रहम करना चाहिए। अच्छा, बाबा का याद है, मीठे मीठे सिखल दे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का या प्यार और बुधनी रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्कार। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माँ पिता सब रूहानी बच्चों की रूहानी माँ पिता बाप दादा को प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते शुक्रिया। भारत को पावन बनाने की सेवा में अपना तन मन धन सफल करना है। पैसे को पूरा समझ स्वर्ग बनाने की सेवा में लगाना है, व्यर्थ नहीं कमाना है। भगवान ने पैसे को हीरा बताया है, उस पर भी हम सोच सकते हैं। उसे भविष्य 21 जन्म की प्रारब्ध बनाने के लिए दिन रात कमाई जमा करनी है, समय बर्बाद नहीं करना है।
शरीर को बुनने का पुरुषार्थ बताने अपार तख्त सो दिल तख्त नशे बन स्वराज्य के नशे में रहने वाले प्रकृति जीत माया जीत गौरव अकाल तख्त सो दिल तख्त नशे बन स्वराज्य के नशे में रहने वाले प्रकृति जीत माया जीत गौरव अकाल तख्त नशे आत्मा सदा रूहानी नशे में रहती है जैसे राजा बिना नशे के राज्य नहीं चला सकते ऐसे आत्मा यदि स्वराज्य के नशे में नहीं तो कर्मेंद्र रूपी प्रजा पर राज्य नहीं कर सकते इसलिए अकाल तख्त नशीन सो दिल तख्त नशीन रहो इसी रूहानी नशे में रहो तो कोई भी विघ्न व समस्या आपके सामने आ नहीं सकती प्रकृति और माया भी वार नहीं कर सकती और तत्नशीन बनना आता सहज प्रकृति जी और माया जी बनना स्लोगन है संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करनी है तो आत्मशक्ति की उड़ान भरते चलो संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करनी है तो आत्मशक्ति की उड़ान भरते रहोगे वरदान से भी रिलेटेड अच्छा हम शांति अच्छा हम लोग स्किप करते हैं क्योंकि क्लास है अच्छा।